किम जोंग की इस सनक ने जापान को भी यूक्रेन बना दिया। क्या अब दुनिया देखेगी एक और नरसंहार? जापान के प्रधानमंत्री ने सबको छुपने को कहा है, ट्रेन भी बंद। क्या यूक्रेन की तरह जापान को भी युद्ध में झोंकने को है तैयार दुनिया? सनकी तानाशाह की मिसाइल सनक ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया है। HAL ने खड़ी कर दी है एक और महाशक्ति। चीन की नींदे हराम कर देगा HAL का ये चमत्कार। डेड यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस से लेस है ये सिस्टम। उड़ा देगा पूरा का पूरा पाकिस्तान। दुश्मन देश में मची भगदड़। डेड और CSAR इस सिस्टम को बना देंगे अजय। देखने भर से ही ला देगा तबाही का मंजर। आइए दोस्तों पहले उस खबर से शुरू करते हैं जिसने आज सबकी उस आशंका को सच कर दिया है जिसका कयास दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले लगा रही थी। जी हाँ दोस्तों, डर है तीसरे विश्व युद्ध का। अब सनकी तानाशाह ने भी दूसरी लड़ाई शुरू करके विश्व युद्ध का आगाज कर दिया है। दुनिया पहले से ही यूक्रेन युद्ध को लेकर परेशान है, तो दूसरी तरफ सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने भी एक और युद्ध का माहौल तैयार कर दिया है। सुबह सुबह उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागी और 5 साल में पहली बार जापान के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है, जिसके बाद जापान के प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों को कवर लेने की चेतावनी जारी कर दी है, मतलब छुप जाने को कहा है। वहीं जापान सरकार ने अपने नागरिकों को कहा है कि किसी भी संदिग्ध सामान को ना छुएं और फौरन सरकार सुरक्षा अधिकारियों को इसकी खबर दें। वहीं उत्तरी जापान में ट्रेनों को अस्थायी बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मिसाइल से जापान में तहलका मच चुका है, पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। सनकी के इस काम ने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जापानी कोस्ट गार्ड ने मिसाइल गिरने की सूचना दी जिसे उत्तर कोरिया के पूर्वी तट से लॉन्च किया गया था। जापानी सरकार ने नागरिकों को कवर लेने की चेतावनी दी है और कहा है कि उत्तर कोरिया का मिसाइल जापान के ऊपर से होते हुए प्रशांत महासागर में गिर चुका है। इस मिसाइल ने जापानी क्षेत्र को पार किया और ये मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी है, लिहाजा जापान सरकार ने एक तरह से अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं जापानी कोस्ट गार्ड ने कहा है कि उसने मिसाइल को नष्ट करने के लिए किसी भी रक्षा उपाय का उपयोग नहीं किया। 2017 के बाद से उत्तरी कोरिया से जापान के ऊपर या उससे पहले उड़ान भरने वाली पहली मिसाइल थी। जापान सरकार के शीर्ष सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर कोरिया लगातार कार्यवाही कर रहा है, वो लगातार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर रहा है जिससे जापान की क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है और ये जापान सहित पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बहुत गंभीर चुनौती है। वहीं इसके तुरंत बाद पत्रकारों से बात करते हुए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसिदा ने उत्तर कोरिया की कार्यवाही को बर्बर कहा और उन्होंने ये भी कहा कि जापान सरकार लगातार सूचनाएं इकट्ठा कर रही है और उसका विश्लेषण किया जाएगा और अब हम भी इसका जवाब देने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं दक्षिण कोरिया के JCS ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये उत्तर कोरिया के जगंग प्रांत से मारी गई एक मिड रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM है। उत्तर कोरिया ने उस प्रांत का इस्तेमाल कई हालिया परीक्षणों को शुरू करने के लिए किया है जिसमें कई मिसाइलें शामिल हैं जिनके बारे में दावा किया गया था कि वे हाइपरसोनिक मिसाइलें थी। उत्तर कोरिया को है मिसाइलों की सनक। दोस्तों जापान के न्यूज चैनल TV Asahi ने कहा कि उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी होगी और यह जापान से लगभग 3000 किलोमीटर दूर समुद्र में गिर गई। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में उत्तर कोरिया ने 5वीं बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। पिछले हफ्ते अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी दक्षिण कोरिया के दौरे पर गई थी। उत्तर कोरिया ने कमला हैरिस की यात्रा से ठीक पहले और यात्रा खत्म होने के ठीक बाद बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसके बाद दक्षिण कोरिया ने भी अपने आर्म्ड फोर्स डे के मौके पर शनिवार को एडवांस हथियारों का प्रदर्शन किया जिसमें कई रॉकेट लॉन्चर, बैलिस्टिक मिसाइल, मुख्य युद्धक टैंक, ड्रोन और F-35 लड़ाकू विमान शामिल थे। वहीं जापानी ब्रॉडकास्टर NHK ने बताया कि उत्तर कोरिया के मिसाइल दागने के बाद पूर्वी जापान रेलवे कंपनी को उत्तरी क्षेत्रों में अपने ट्रेन संचालन को सस्पेंड करना पड़ा है। विश्लेषकों का कहना है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन में चल रहे युद्ध का फायदा उठाना चाहता है क्योंकि पूरी दुनिया उस लड़ाई की तरफ व्यस्त है और इस दौरान उत्तर कोरिया ज्यादा से ज्यादा परीक्षण कर लेना चाहता है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ जहां आज भारत ने अपने दुश्मनों को चैन से ना सोने देने का प्रण लिया है। धीरे धीरे भारत का ये प्रण हमारे दुश्मनों का काल बन जाएगा। अब तो भारतीय सेना इतनी ताकतवर बनती जा रही है कि पाकिस्तान देखकर ही हार मान चुका है। पाकिस्तान और चीन से जारी विवाद के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा हो चुका है। भारतीय वायुसेना को स्वदेशी हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH मिल चुके हैं।
जोधपुर एयरबेस में हुए इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के नए सीडीएस जनरल अनिल चौहान और चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी मौजूद रहे। सर्वधर्म प्रार्थना के बाद 10 एलसीएच हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। एलसीएच को प्रचंड नाम दिया गया, जिसका मकसद केवल और केवल तबाही मचाना होगा। भारतीय वायुसेना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का एक स्क्वाडन जोधपुर एयरबेस पर तैनात करेगी। इन हेलीकॉप्टर की तैनाती से सीमा पर जाना आसान हो जाएगा। आतंकी गतिविधियों पर इन महाविनाशक विमानों से विराम लगेगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है, जिसके बाद एचएएल का रुतबा सातवें आसमान को छू रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में सेना को घातक कॉम्बैट कैपेसिटी उपलब्ध कराना है, जिससे पाकिस्तान चीन जैसे दुश्मनों को मजा चखाया जा सके। सेना से मिली जानकारी के अनुसार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में गजब की चुस्ती फुर्ती गतिशीलता देखने को मिलेगी। ऊंचे स्थान में वार करने के लिए इसका रेंज बढ़ाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, एलसीएच सभी मौसम में हमला करने की तकनीक से लैस है। इसका मतलब यह है कि कोहरा बारिश जैसे मौसम की समस्या में इसकी मारक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दुश्मन के लिए लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर मौत का पैगाम लेकर आएगा। दरअसल दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर में डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस की क्षमता मौजूद है, यानी कि जरूरत पड़ने पर एलसीएच दुश्मन के एयर डिफेंस को ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा काउंटर इमरजेंसी और कॉम्बैक्ट सर्च एंड रेस्क्यू CSAR जैसे रोल को अंजाम देने के लिए भी ये हेलीकॉप्टर सक्षम है। इसीलिए इस महाविनाशक हथियार को देखते ही चीन और पाकिस्तान की फटने लगी है। दोस्तों आपको बता दें कि सेना का प्लान है कि वो अभी 95 हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर और खरीदेगी। आपको बता दें कि कॉम्बैक्ट रेंज 550 किलोमीटर है और ये एक बार में लगातार 3.25 घंटे उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को ध्रुव हेलीकॉप्टरों से विकसित किया गया है। इस हेलीकॉप्टर की जरूरत 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान महसूस हुई। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स पर एक 20mm की M621 कैनन या फिर नेक्स्टर THL 20 टैरेट गन लगा सकते हैं। 4 हार्ड पॉइंट्स के रॉकेट और मिसाइल या बम फिट किए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर में लगे अत्याधुनिक एवियोनिक सिस्टम से दुश्मन ना तो छिप सकता है ना ही इस पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये सिस्टम इस हेलीकॉप्टर को मिसाइल का टारगेट बनते ही सूचना दे देते हैं। इसके अलावा रडार एंड लेजर वार्निंग सिस्टम लगा है, साथ ही सेफ और फ्लेयर डिस्पेंसर भी है ताकि दुश्मन के मिसाइल और रॉकेटों को हवा में ध्वस्त किया जा सके। ये सारी जानकारी देखकर आप तो अब समझ ही गए होंगे कि क्यों इसका नाम प्रचंड रखा गया है, क्यों इसको तबाही के दूसरे पर्याय बताए जाते हैं। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आप पहले से जानते थे। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।